ओम शांति। सात्विक रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ले गए हैं मटर मशरूम। तो कहते हैं मशरूम में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन्स मिलते हैं, तो इसके लिए आज हम ये बनाना शुरू करेंगे। तो आप देखिए, ये हमने 400 ग्राम मशरूम लिया है और 150 ग्राम इसमें मटर है। तो पहले हम मशरूम को गर्म पानी में इसको हम उबाल लेते हैं। हमने यहाँ पहले से ही गर्म पानी करके रखा था, तो हम इसको इसमें उबाल देते हैं ताकि इसके जो स्मेल थोड़ी सी होती है वो निकल जाए। इसको सिर्फ हमने 5 मिनट उबालना है। जब तक हम इधर इसका तड़का शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर भी हम गैस चालू कर देते हैं। तो इसके लिए हमने मशरूम के लिए लिया है, हमने यहाँ दूध में 10 से 15 काजू पीस के रखा हुआ है। तड़के के लिए हमने हरी मिर्च और अदरक भी लिया है। गरम मसाला है, हींग है, धनिया है और कुछ खड़े मसाले भी हैं, जिसमें काली मिर्च, लौंग और तेज पत्ता है, हल्दी है, आमचूर है, चाट मसाला, नमक और डेगी मिर्च, साथ में टमाटर। टमाटर भी हमने आधा किलो लिया हुआ है। और तड़के के लिए हमने रिफाइंड यूज करेंगे, चाहे तो आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं, देसी घी भी यूज कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हम पहले इसमें रिफाइंड डाल देते हैं। हमने यहाँ पे एक बड़ा चमचा रिफाइंड लिया था। अब यहाँ हम इसमें आधा पौना चम्मच जीरा डालेंगे, साथ में हम अदरक जो मिर्ची हमने लिया हुआ था वो भी डाल देते हैं, और जो हमने खड़े मसाले लिए थे वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा चला देते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें डेगी मिर्च, एक चम्मच इसमें डेगी मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच हम इसमें हल्दी, बाकी जो हमारे पास जो टमाटर पिसा हुआ था अब हम इसके अंदर वो डाल देते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। एक चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर, हींग 1/4, इसमें हम गरम मसाला, एक चम्मच इसमें हम चाट मसाला डाल देंगे, और थोड़ा सा हम इसमें आधा चम्मच डालेंगे आमचूर, कि जो टमाटर का जो मीठापन है वो इसमें ना आए। अब हम इसको चला देते हैं। जो हमने मशरूम उबालने रखे थे वो हमारा उबल चुका है। अब हम इसको भी छान लेते हैं। तो ये मशरूम हमने उबाल के छान लिया है, तो आप देख सकते हैं इसकी जो स्मेल थी वो भी निकल चुकी है। अब हम इसमें जो हमने ग्रेवी बनाई है, सबसे पहले हम इसमें मटर डाल देते हैं। अब हम इसमें मशरूम भी डाल देते हैं। अब हम इसको मिला देते हैं। जो हमने दूध और काजू का पेस्ट बना के रखा था अब हम वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। ये दूध और काजू का पेस्ट है वो भी हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। हमने ये लगभग 1 से 1.5 गिलास इसमें पानी डाला है। पानी आपको जितना भी चाहिए आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि आपको जितना गाढ़ा या पतला चाहिए आप अपने इसके अनुसार बना सकते हैं। और हाँ, सबसे पहले बाबा को याद करना है, तो बाबा को याद करके इसमें सब चीजें डालेंगे, तो ये बहुत ही स्वाद और इसका टेस्टी भी बनेगा। और बनाने के बाद इसको जो सत्य माना सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम,
परमपिता परमात्मा जो है उसको इसका भोग स्वीकार कराना, ताकि इसमें शक्ति भर जाए। जो भी इसको खाएगा उसका जो हृदय है वो शुद्ध हो जाए। तो अभी हम इसको ढक देते हैं, इसको 4 से 5 इसको सीटी लगाना है। अब हम इसको बंद कर देते हैं, 5 सीटी हो चुकी है और अभी ये लगभग ठंडा भी हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, तो आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये हमारा मटर मशरूम बनके एकदम तैयार है। तो अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। आप मसाला अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देखिए, ये हमारा मशरूम बनके तैयार है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। तो ये हमारा मशरूम तैयार है। इसको आप रोटी के साथ या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप देखिए ये कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। तो हम इसको आप ज़रूर ट्राई करें और परिवार को ज़रूर खिलाएं। ओम शांति।